वेलकम बैक टू माय चैनल। यंग और एक्टिव बने रहना हर किसी की तमन्ना होती है। कोई नहीं चाहता कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखे। उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ईयर बाय ईयर वी आर गेटिंग ओल्डर, बट आप इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सो व्हाट कैन वी डू टू लुक यंग ऑलवेज? देयर आर फ्यू टिप्स विच आई फॉलो फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई लव माई सेल्फ एंड डोंट वॉन्ट टू गेट ओल्डर बिफोर माई एज। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर मेरी उम्र 40 है तो मैं 20 की दिखूं, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि 40 की एज में मैं 50 की दिखूं। सो आई फॉलो सम स्टेप्स जिससे कि मैं अपनी उम्र को कह सकूं। खुद को चाहने की तमन्ना हमेशा दिल में रखिए। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पानी का हमारी एज से क्या कनेक्शन है। स्किन हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरह ही सेल से बनी होती है, जिससे हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी स्किन हाइड्रेट नहीं होगी तो वो जल्दी ड्राई होने लगेगी, और ड्राई स्किन पे रिंकल्स होना एक आम बात है। मेरी पानी की बॉटल हमेशा हर जगह मेरे साथ ही रहती है। मैं हर एक घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी बिना प्यास के पीती रहती हूँ, क्योंकि सिर्फ पानी ही है जो हमारी स्किन में से टॉक्सिन्स को फ्लश करता है और एक ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन जनरेट करता है। बॉडी को बिना डिटॉक्स किए हम हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते और ना बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स कम से कम हैं तो ये साइन है कि आप हमेशा अपनी उम्र से कम ही नज़र आएंगे। सेकेंड थिंग जो हमारी एज पे इम्पैक्ट डालती है वो है स्ट्रेस। आज की इस फास्ट लाइफ में स्ट्रेस हो जाना एक आम बात है, और ईगो हर्ट होने की वजह से होने वाला स्ट्रेस काम के प्रेशर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ भी हो, स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट तो डालता ही है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने स्ट्रेस लेवल को भी अंडर कंट्रोल रखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन से मूव होके हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन और लंग्स को चले जाते हैं, और हमारी स्किन ड्राई, डल और डार्क होने लगती है। और स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन माइंड और बॉडी की एक ऐसी प्रैक्टिस है जो रिलैक्सेशन प्रमोट करती है, और मेडिटेशन करने से हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है और एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। शुरू शुरू में ये प्रैक्टिस काफ़ी हार्ड और बोरिंग लगती है, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं आप 5 मिनट से, और डेली इसको करने से आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे। काम करते करते ब्रेन टायर्ड हो जाता है तो मैं 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके मेडिटेट करती हूँ। और इसके बाद कितनी बार ऐसे हुआ है कि मुझे अपने काम से रिलेटेड कई नए आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। बुक्स रीड करने से भी हमारा स्ट्रेस 68% तक कम हो जाता है। साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ओनली 6 मिनट तक अगर आप अपने इंटरेस्ट की कोई भी बुक रीड करते हैं तो आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों ही नॉर्मल हो जाते हैं। इसी तरह से म्यूज़िक भी हमारी अटेंशन को अब्सॉर्ब करता है और अननेसेसरी स्ट्रेस से हमारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करता है। थोड़ी देर का ये रिलैक्सेशन हमें रिफ्रेश कर देता है। बच्चों के साथ खेलना मतलब अपने काम और कमिटमेंट को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाना। ये एक ऐसा वे है जो आपकी इमेजिनेशंस को फ्यूल देने का काम करता है। खेलते वक्त जो खुशी आपको मिलती है वो आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के साथ साथ आपको सुपर चार्ज भी कर देती है, जिससे आपका काम और भी प्रोडक्टिव होता है। यंग और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज के रोल को हम कैसे भूल सकते हैं? फिट से मेरा मतलब बहुत स्किनी होने से नहीं है। आप एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, फिर चाहे आप कुछ ओवरवेट ही क्यों नहीं हैं, पर आप फिट हैं। आप लेज़ी हैं, आपकी एनर्जी लेवल लो है, फिर चाहे आप स्किनी ही क्यों नहीं हैं, बट सॉरी, यू आर नॉट फिट। एज बढ़ने के साथ साथ बॉडी में बहुत सी प्रॉब्लम फील होने लगती हैं,
जैसे कि बॉडी में पेन फील होने लगता है, रिंकल्स फेस पे आ जाते हैं, जॉइंट पेन फील करते हैं आप, तो इसीलिए शुरू से ही बॉडी के को एक्सरसाइज देना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू स्टे यंग. अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आने वाले सालों में भी उम्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. सो डू व्हाट यू लव टू डू. से प्यार करते हैं तो कभी भी मेकअप लगा के रात को ना सोएं. लेकिन पानी से मेकअप साफ करने से कुछ पार्टिकल स्किन में रह जाते हैं जिससे पिंपल्स होने का डर बना रहता है. सो मेकअप रिमूवर के साथ ही पहले मेकअप साफ करें. आजकल मार्केट में बहुत से मेकअप रिमूवर मिल जाते हैं, लेकिन मैंने ये रिमूवर खुद बनाया है जिसमें मैंने फेस वॉश, रोज वाटर एंड मॉइस्चराइजर ऐड किया है. तो इसके साथ पहले आप मेकअप रिमूव करें, उसके बाद ही फेस वॉश करें. वंस इन अ वीक मैं अपने फेस पे फेस मास्क या फेस पैक अप्लाई ज़रूर करती हूँ. फेस पैक हमेशा फेस वॉश करने के बाद ही अप्लाई करें. इससे स्किन के पोर्स अच्छे से खुल जाते हैं और पैक स्किन के अंदर तक क्लीनिंग का काम करता है. बहुत सारे फेस पैक किचन में रखी हुई चीज़ों से भी बनाए जा सकते हैं जो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में सबसे पहले मैं फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद सीरम अप्लाई करती हूँ. मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन के सरफेस तक ही काम करता है, जबकि सीरम स्किन के अंदर तक इफ़ेक्ट करता है. सीरम आप घर पे भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन एंड विटामिन ई कैप्सूल्स. बाहर जाने से कम 15 मिनट पहले सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यूवी रेज हमारी स्किन पे बहुत बैड इफ़ेक्ट डालती हैं जिससे जल्दी ही रिंकल्स होने लगते हैं. आप लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैं स्किन पे क्या अप्लाई करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ. ईट हेल्दी एंड ईट लेस. स्टॉप ईटिंग सो मच एंड डू एक्सरसाइज. जब हम कम खाते हैं और एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो हमारी बॉडी में T3 का प्रोडक्शन लो हो जाता है. T3 एक थायराइड हार्मोन है. इसका लेवल लो हो जाने से एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है. घर में कोई खाए ना खाए, लेकिन मैं अपने लिए एक मील दिन में ऐसा ज़रूर बनाती हूँ जिसमें थोड़ी रॉ वेजिटेबल्स हों और प्लेट में ग्रीनरी ज़्यादा हो, क्योंकि जब भी हम ऑयल में वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक करते हैं तो भी उनका न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है. तो ये थे मेरे कुछ टिप्स यंग और फिट रहने के लिए. अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.